हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने चैनल पर, जहां हम ना केवल फिजिक्स के कंसेप्ट पर निगाह मारते हैं बल्कि उन्हें पूरी पूरी लाइन मारते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने मैग्नेटिज्म की सीरीज का अगला वीडियो लेक्चर। टॉपिक है बायो सेवर्स लॉ। इसे हम लोग लाप्लास लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? लाप्लास लॉ। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है इस चैप्टर के, बहुत ही इजी वे में हमने समझाया है, बहुत ही आराम से, आप एक बार ना ऊपर आई बटन को क्लिक करके अभी देख सकते हो। ठीक है, आओ ध्यान। लाप्लास लॉ 1820 में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अपने दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में, ये जो बायोथ और सेवर्स हैं, ये दो असल में एक्चुअली में अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं। पहले हैं जीन बैप्टाइस्ट बायोथ और दूसरे हैं फिलिक्स सेवर्स। इन्होंने मिलकर 1820 में इसके बारे में खोज की कि अगर मैं एक वायर लेता हूँ और उस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, उस एलिमेंट से थोड़ी दूर एक पॉइंट लेता हूँ टेस्ट चार्ज, तो उस पर फील्ड लगेगी कितनी। मतलब अगर मेरे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उसका कोई एलिमेंट हो मेरे पास और उससे थोड़ी दूर एक टेस्ट चार्ज हो, तो उसमें फील्ड कितनी फील करेगा वो। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। हमने एक वायर लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। एक चार्ज लीजिए कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहां पर मेरी है एक एलिमेंट dl और इस एलिमेंट का एक एंगल बन रहा है इस चार्ज के साथ में, और ये जो एंगल है यह है क्या आपका थीटा एंगल। कितना है थीटा? बहुत बढ़िया। लॉ मेरा कहता है कि जो आपकी छोटी सी dl लेंथ की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी db, ये जो है ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो करंट इस वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, वो है I। यही लॉ कहता है कि ये जो फील्ड है db, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके इस एलिमेंट की लेंथ के बराबर। ये हमने लिया dl। बेसिकली लॉज जो होते हैं, लॉज में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, लॉज हमें लेके चलने होते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, हमें एज इट इज समझने होते हैं, उनसे गो थ्रू करना होता है ना। लॉस में ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचे ऐसा क्यों हुआ, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि हाँ अगर आप एक वायर लेंगे उसमें एक एलिमेंट को देखेंगे कि इसकी वजह से कितना ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के प्रोपोर्शनल। ये हमने कैसे देखा? प्रैक्टिकली देखा। और किसके प्रोपोर्शनल होगा? डी एल के प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा। किसके प्रोपोर्शनल? साइन थीटा। वो जो एंगल बनेगा किसका? पोजीशन वेक्टर का। किसके पोजीशन वेक्टर का? उस टेस्ट चार्ज के पोजीशन वेक्टर का। ये लीजिए मैंने बना दिया, ये रहा आर। तो इस आर का और इस डीएल एलिमेंट का जो एंगल बनेगा, उस एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल रहेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड जो भी मेरा बनने वाला है। इसके ऊपर हम गहन चर्चा कर चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपको हल्का सा भी डाउट है, तो एक बार जाके देख के आइए, 10 या 15 मिनट में आपकी पूरी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। बेशक आपको इंटू पे देखिएगा, बहुत ही इजीली समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस आर स्क्वायर के। इसके आर स्क्वायर के। तो ये जो चार है, मेरे पास चार ऑब्जर्वेशन है, इन्हें नाम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इन चार इक्वेशनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? db प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन में आज। यहाँ तक सभी को समझ आया? बहुत बढ़िया। इतनी तो हुई अपनी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। अब एक चीज बताइए, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो इसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको नहीं मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरगेट अबाउट इट। आप ऐसा समझ लो कि आप जितने समोसे खाओगे आप उतने मोटे हो जाओगे, आप जितनी चीनी खाओगे आप उतने स्वीट अर्थात मीठे हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है सेम रेशियो में।
एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी सेम रेशियो में, लेकिन क्या ये बराबर है? बराबर तो नहीं है सर, बढ़ रही है घट रही है सेम रेशियो में, बढ़ रही है घट रही है सेम रेशियो में, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हमने क्या सीखा है, इस प्रोपोर्शनल को अगर मुझे इक्वल में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं dv इक्वल्स टू, मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया k i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो k की वैल्यू होती है यहां पर, ये जो मैंने k कांस्टेंट लिया है ये होता है म्यू नॉट कॉन 4 pi। ध्यान रखिएगा ये आई नई चीज, जैसे आपको याद हो कि जब हम के पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वहां पर 1/4 pi और नीचे आता था एप्साइलन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही वहां पर एप्साइलन नॉट आता था डिनोमिनेटर में, तो यहां पर आता है क्या म्यू नॉट आता है किधर न्यूमरेटर में, इसे कहते हैं परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। अंतर मैं समझाऊंगा आपको कि एप्साइलन नॉट और म्यू नॉट में क्या अंतर है, पहले इतना समझिए, इतना अगर हमें समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये समझ में आया कि चार चीज़ों पर डिपेंड की हमारी इक्वेशन और ये हमने कंबाइन किया, अभी यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था तो इन्हें इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया और ये रहे उस कांस्टेंट की वैल्यू। अभी बात करते हैं इस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में, तो इस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10^-7। अच्छा सर, तो क्या इसकी कोई SI यूनिट होती है? बिल्कुल होती है, SI यूनिट निकालते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं, SI यूनिट देखते हैं, हमें K की यूनिट निकालनी है। dB की यूनिट कितनी होगी? मैंने आपको कल बताया था क्या थी dB की यूनिट, टेस्ला। ठीक है, इधर क्या है अपने पास, K की यूनिट मुझे निकालनी है, I की यूनिट नीचे जाएगी एम्पियर, देखो I उठ के नीचे गया डिनोमिनेटर में, dl भी उठ के नीचे गया मीटर, यहां से r क्या है, r थी दूरी, मीटर में नापी जाएगी तो r स्क्वायर का क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से मीटर कट गया, तो यहां पर जो k की मेरी यूनिट आई है वो मेरी क्या ही है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फिर से समझिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इस k के लिए मैंने बाकी सबकी यूनिट रख के सबको इस साइड भेज दिया, dB की यूनिट पता थी टेस्ला, I की एम्पियर, dl की मीटर, r स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, साइन थीटा चूंकि रेशियो है साइड्स का, कोई यूनिट नहीं रहेगी, यूनिट लेस रहेगा वो, तो यहाँ पर मेरी यूनिट आ गई है और वो आई कितनी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, इतना तो आ गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, यहाँ से हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी किसकी वजह से, एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए। फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला आपका बनता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखेंगे सभी लोग, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लड़की वालों ने पूछ लिया तो शादी नहीं हो पाएगी, है ना, कि PCM से पढ़े लड़के को ये भी नहीं आता, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 pi की वैल्यू होती है हमारी 10^-7। अब एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि एप्सिलॉन नॉट आता था नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी, और म्यू नॉट आता है ऊपर, ये चीज़ मत भूलिएगा। डेरिवेशन हो गया, बढ़ते हैं आगे, हम इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना देखते हैं, या हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ध्यान देते हैं, हमारे dB आया था म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सर एक चीज तो मुझे दिख रही है यहाँ पर, साइन थीटा, क्या दिख रहा है मुझे, साइन थीटा, साइन थीटा देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि सर अगर आप वेक्टर वाली बात कर रहे हो तो होना हो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट जो होते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा। ये चीज हमें मालूम है कि जब भी दो वेक्टर्स का, जैसे ये है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, कैसा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं उसे क्या लिखता हूँ, ए बी साइन थीटा। इसी वजह से देखो सर यहाँ पर मुझे साइन थीटा दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हुआ, किन दोनों का सर, आई और डीएल का। अरे लल्लू लाल, क्या आई तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं सर, आई तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आई कैसी क्वांटिटी है? आई तो सर स्केलर है, वैसे तो टेंसर होती है, अपन मान के चल रहे हैं स्केलर है,
तो फिर सर आई का तो क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो स्केलर है, तो फिर किसका वो होगा? देखो मैं डी वी ये क्या है? वेक्टर है। हाँ सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है सर। आई डी एल वेक्टर, एक एलिमेंट क्या है? वेक्टर। क्रॉस, सर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किससे? मैं बताता हूँ, आर वेक्टर से। किससे? आर वेक्टर से। आर वेक्टर कौन सा है सर? ये पोजीशन वेक्टर है। लेकिन सर आपने हवा हवा में कहाँ से आर वेक्टर ले आए? तो लोग हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अरे सर स्क्वायर तो ऑलरेडी था, एक आर आपने इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूब। और सर साइन थीटा कहाँ गया? अरे क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया। ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है किसकी? बायोसेवर्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। सर यहां तक तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म में तो बता लेंगे, लेकिन अगर लड़की वालों ने पूछ लिया कि इसे तुम बताओ करंट डेंसिटी के फॉर्म में, तो कैसे बताएंगे? सर करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी देखो याद होगा आपको, जे इक्वल्स टू आई बाय ए। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट फ्लो करता है, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से वायर के जितना करंट फ्लो करता है, हम उसे कहते हैं करंट डेंसिटी। देखो क्या करोगे अभी सर, आई इक्वल्स टू क्या होगा यहां से मेरा? आई इक्वल्स टू मेरा आ रहा है जे इंटू ए। वैसे ये क्या होता है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है, जे ए कॉस थीटा होता है। अभी हमने क्या देखा सर? सिंपली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जे इंटू ए। तो सर वैल्यू क्या जाएगी मेरी? वैल्यू मेरी आई डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सर आई था, आई को जे इंटू ए लिखते हैं? हाँ बिल्कुल लिख दो, जे इंटू ए डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चों ध्यान रखेंगे इस चीज को। हमने क्या देखा? हमने टोटल निकाली फील्ड कितनी आएगी, फिर हमने उसी को वेक्टर फॉर्म में देख लिया है, अभी हमने उसे किसके फॉर्म में देखा? अभी हमने उसे करंट डेंसिटी के फॉर्म में देखा। बेसिकली हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमने डी एल और ए लिख दिया। सर ए इंटू डी एल सर एरिया भी है और लेंथ भी है, ये तो सर वॉल्यूम होता है। बिल्कुल हाँ वॉल्यूम होता है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये हम इरेज कर देते हैं। ध्यान, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी वी ए इंटू डी एल, और ये रहा आपका क्या? जे। और सर साइन थीटा ये रहा अपॉन में सर आर स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अभी हमने क्या क्या देख लिया? अभी हमने देख लिया सर बायो सेवर्स लॉ क्या होता है, वो एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालता है, उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी देख लिया सर, अभी हम उसे करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सर ये हो गया करंट डेंसिटी के फॉर्म में। पता है एक और तरीके से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपसे कि भाई वेलोसिटी के फॉर्म में लिखो। क्या? वेलोसिटी। सर वेलोसिटी के फॉर्म में कैसे? देखो बहुत आसान है, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला तो कंटेस्ट होना चाहिए, db equals to mu naught upon 4 pi idl sin theta by r square। सर ये idl दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है idl। सर i क्या होता है? q by t। हाँ जी होता तो है, ये रहा आपका dl, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dt को dl के नीचे लिखूंगा, q dl by dt। सर दिख गया, velocity दिख रही है मुझे, क्या आया? क्यू डी वी, उठा पुट कर दो इसमें, यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अरे आई नहीं, आई तो हट गया, क्या आ गया? क्यू डी वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बेसिकली सर हमने क्या क्या देख लिया? अब हमने बायो सेवर्स लॉ देख लिया, उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देख लिया, हम उसे करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हमने ये भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि हम उसे वेलोसिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लास्ट चीज आती है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगला अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया रहे तो बेहतर रहेगा। एक टर्म आता है आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी।
यानी कि ये वो क्षमता है जो किसी चीज को मैग्नेटाइज करे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी चीज में डाले, और ये जो होता है, ये होता है डीबी अपॉन म्यू नॉट। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले से केवल म्यू नॉट हटा दूं, केवल म्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दूं, देखो डीबी अपॉन म्यू नॉट होगा तो इधर भी म्यू नॉट आएगा नीचे, और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, सर फॉर्मूला बताओ आप, तो सीधे सीधे आप इधर उधर की बातें मत करो। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एच फॉर हर्षित सर। ध्यान, फॉर्मूला बन जाएगा आपका एच इक्वल्स टू म्यू नॉट, आपका कैंसिल हो गया, वन अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, अब आया थोड़ा थोड़ा आनंद। इतनी सारी चीजें हमें मालूम पड़ी, ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया सर, हमने डेरिवेशन देख लिया, हमने टोटल फील्ड देख ली, हमने वेक्टर फॉर्म में फील्ड देख ली, हमने वेलोसिटी के फॉर्म में फील्ड देख ली, फिर हमने उसे करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी देख लिया। अरे सर, हमने इसे किसके फॉर्म में देख लिया, हमने इसे देख लिया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के फॉर्म में। ठीक है सर, इतना आ गया, अभी क्या बताओगे, अभी हम देखते हैं कि डेफिनेशन कैसे बन जाएगी। अगर आपको पूछ ले पेपर में वन टेस्ला क्या है, वन टेस्ला डिफाइन, वन टेस्ला, चलो सर बता दो सर फटाफट, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज नोटिस करिएगा, ये था आपका वायर, करंट जा रहा है, अगर मैं वो जो चार्ज साइड में रखा था उस चार्ज को मैं यहाँ पर रख दूँ, तो चार्ज के और इस वायर के बीच में एंगल कितना, इस एलिमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, सही पकड़े हैं, जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा सर, साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो सर फिर तो डीबी जीरो आ जाएगा। एग्जैक्टली अलोंग द वायर, अगर आप अलोंग द वायर कोई चार्ज रख दो और आप देखो वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है, तो आपको कद्दू कुछ नहीं मिलने वाला। अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होती है। चलो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट था। हाँ सर, तो हम बेसिकली हम क्या देख रहे थे, हम देखने जा रहे थे वन टेस्ला क्या होता है। अगर मैं सर आई को रख दूं 1 एम्पियर, क्या रख दूं 1 एम्पियर, डीएल को रख दूं सर 1 मीटर, क्या रख दें 1 मीटर, साइन थीटा में थीटा को रख दूं सर मैं 90 डिग्री, क्यों सर, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और सर ये जो आर है आर को भी मैं क्या रख दूं 1 मीटर, तो क्या सर मेरा जो डीबी है वो आएगा मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाकी क्वांटिटीज कहां गई, अरे वो तो 1 हो गई सारी की सारी। और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 7। सर ये आया आपका 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला, लेकिन आप तो हमें सिखाने वाले थे 1 टेस्ला की डेफिनेशन, किसकी 1 टेस्ला। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें डीबी की वैल्यू 1 टेस्ला चाहिए तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे डीबी की वैल्यू मिल गई 10 की पावर माइनस 7 और मुझे चाहिए 1 टेस्ला, तो मुझे इसमें क्या 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 मल्टीप्लाई, क्या हाँ 10 की पावर 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 7। तो बेसिकली अगर मुझसे कोई डेफिनेशन पूछे तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर आपके एलिमेंट से करंट जा रहा हो 1 एम्पियर, आपका डीएल हो 1 मीटर, आपका थीटा एंगल हो 90 डिग्री, आपके एलिमेंट से दूरी हो 1 मीटर, तो अगर मुझे 1 टेस्ला चाहिए तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर 7 टेस्ला, ताकि ये कैंसिल आउट होकर कितना मिल जाए, मुझे 1 मिल जाए। इतना आया समझ में। अभी अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो तो आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आ जरूर रहा होगा कि सर हमने क्या देखा था, हमने कूलम फोर्स देखी थी, ये ना उसकी सस्ती कॉपी लग रही है। क्या लग रही है, सस्ती कॉपी, सस्ती कॉपी नहीं है, मैग्नेटिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही रामबाण है, यही चलता रहेगा पूरे मैग्नेटिज्म में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या चलता है, कूलम फोर्स चलता रहता है, उसी से ही फील्ड निकालते हैं, उसी से ही पोटेंशियल निकालते हैं, उसी से ही सब कुछ जो भी एक्स वाई जेड है सब कुछ उसी फॉर्मूले से हमने निकाला था। यहाँ पर बायो सेवर्स लॉ आपको आना बहुत ज़रूरी है, ध्यान। तो बेसिकली क्या है, कूलम फोर्स और ये जो है ये एनालॉगस है, कूलम फोर्स और बायो सेवर्स लॉ एनालॉगस है। चलो ध्यान देते हैं सर, सिमिलैरिटीज क्या, सिमिलैरिटीज है बताओ सर, क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला याद है, हाँ मुझे तो याद है, ये लिखा हमने एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये हमने लिखा एफ मैग्नेटिक,
ध्यान दो, एफ मत लिखो, ई इलेक्ट्रोसेल। अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखा, दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर, ठीक है सर। क्या इसका फॉर्मूला क्या था, क्या 1/4πε0qr2, हाँ सर। इसका फॉर्मूला क्या है, μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, हाँ सर। कुछ सिमिलर दिख रहा है, कुछ तो थोड़ा सा ये दिख रहा है सर मुझे। डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है, 1/r² की डिपेंडेंसी है, क्या है, 1/r² की दोनों साइड डिपेंडेंसी है, बोलो। और वैसे 1/r² की जिसमें भी डिपेंडेंसी आती है वो असल में कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। तो बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूँ दोनों के दोनों केस में फोर्सेस कैसी होंगी, कंजर्वेटिव। एक सिमिलैरिटी और है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सर सुपरपोजिशन नहीं आता हमें समझ में, सुपरपोजिशन समझो अभी। तो अभी एक चीज़ समझो, मान लो आप कॉम्प्लेक्स पे कूट रहे हो, मार पड़ रही है आपको, धमा दो धमा दो धमा दो धमा दो, और वहाँ से आपका एक दोस्त निकलता है, और वो दोस्त भी आपसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टीस खाए हुए है और आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा अरे मित्र रक्षा, और रक्षक भक्षक बन गया, वो आया उसने भी बहती गंगा में पट पट दो हाथ आप पे साफ कर लिए। फिर मैं निकला वहाँ से और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो हाथ साफ करना अच्छा लगता, मैं तो आया मैं तो ऐसे ही मारने लगा। तो हुआ क्या, आप पे जो नेट फोर्स लगी, क्या वो मेरे द्वारा आप पे लगाई हुई फोर्स, जो ऑलरेडी जिनसे आपने उधार लिया था जिसकी वजह से आप मार खा रहे थे उनके द्वारा लगाई हुई फोर्स, प्लस आपके खास मित्र द्वारा लगाई हुई फोर्स, सबका सम हो जाएगा? एग्जैक्टली, दिस इज ओनली नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप पे लगने वाली सारी फोर्सेस इंडिविजुअल फोर्सेस का सम करके टोटल फोर्स आ जाती है, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलती पब्लिक, पब्लिक ये बोली कि सर जितनी सारी की सारी फोर्सेस लगती हैं उन सभी का सम कर दोगे तो टोटल फोर्सेस आ जाएंगी, टोटल आप पे फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यही आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो ये तो हो गई सर सिमिलैरिटीज की बात, अभी सर कुछ ना कुछ अंतर भी तो होंगे, डिफरेंस के ऊपर भी चर्चा करो। चलो देखते हैं, डिफरेंसेस। सबसे पहली चीज, सबसे पहला मेजर डिफरेंस, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था किसकी वजह से होता था, चार्ज की वजह से। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बता बता। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात की थी जूम, और यहां पर मैग्नेटिज्म में बात कर रहे हैं हम, तो वो आपका जो डिपेंड करता था क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज पर डिपेंड करता था, किस पर, चार्ज पर, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और यहां पर डिपेंडेंसी किस पे है, आइडियल पर। आइडियल क्या है, एक करंट का एलिमेंट, स्केलर इनटू वेक्टर ऑलवेज वेक्टर, तो ये किस पे डिपेंडेंसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी पे। सर पहला डिफरेंस तो हमारा ये आया, एक डिफरेंस और, क्या आपको उस फॉर्मूले में कहीं पर भी साइन थीटा दिखा, सर फॉर्मूला 1/4πε0q1q2r² ये फोर्स का फॉर्मूला था, सर कहीं पर भी साइन थीटा दिखा, नहीं दिखा। अच्छा सर ई का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0q/r², कहीं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी दिखा, नहीं दिखा। वहां पर एंगल पर डिपेंडेंसी नहीं होती थी, नो एंगल डिपेंडेंसी, पॉकेट मनी खुद कमाता था, एंगल से उधार नहीं लेता था, लेकिन यहां पर साइन थीटा पर डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है। अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, लास्ट, अभी जो लास्ट डिफरेंस है वो देखते हैं अपन लोग। एक बात बताओ बहुत ध्यान से, ये एक चार्ज है, ये एक और चार्ज है, यदि आपको याद हो तो हमने इस पे अंकल आंटी वाली चर्चा की, और ये लगता था अलोंग दी एक्सिस, जो इन्हें ज्वाइन कर रही चार्ज इसको अलोंग दी एक्सिस लगता था, और इसमें क्या देखा हमने, कोई चार्ज है, मान लो ये एक वायर है और ये पॉइंट है, वायर इस प्लेन पे है और ये पॉइंट बाहर है, तो फील्ड एक प्लेन के बाहर लगेगी,
बोलो हाँ या ना। देखो समझो, इसमें जो फील इसमें जो भी सीन होता था वो सब किसका होता था, सेम सेम सेंट्रल फोर्सेस होती थी उसमें, सेम जो एक्सिस रहती है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, हम उसमें देखते थे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की पढ़ाई। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें होती है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, जैसे आपका ये जो प्लेन है इस पर कोई वायर है और यहाँ पर आपका चार्ज है बाहर, हो सकता है यहाँ पर आपका चार्ज हो सकता है यहाँ पर आपका चार्ज हो सकता है यहाँ पर आपका चार्ज हो, कहीं पर भी आपका चार्ज हो सकता है। और वो जो चार्ज है, वो जो चार्ज है वो इस प्लेन से बाहर होगा। ये तीसरा सबसे मेजर डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते थे वो क्या रहता था, अलोंग द एक्सिस रहता था, अलोंग द एक्सिस, और इसमें क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो भी आपकी फील्ड आएगी। बोलो इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा रिलेट करके कि एप्साइलन नॉट और म्यू नॉट में क्या अंतर है, बड़े ध्यान से सुनना, एक छोटी सी कहानी से समझना। मान लो आपकी बारात जा रही है और आप लेट हो रहे हैं, आपसे सब्र हो नहीं रहा, ठीक है, ये रही आपकी रोड और रोड पे ऑलरेडी ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा क्या लगा है ट्रैफिक, तो क्या ये आपकी घोड़ी को रोक रहा है, ये रही आपकी घोड़ी और ये रहे आप, फिर विकेट विकेट विकेट, तो ये आपकी घोड़ी को रोक रहा है ट्रैफिक। ट्रैफिक का काम है रोकना, क्या काम है रोकना, आपका काम है रुकना नहीं है। आपने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई, पुलिस ने इस ट्रैफिक को खाली किया, हालांकि वैसे तो पुलिस आएगी 3-4 घंटे बाद, लेकिन मान के चलते हैं कि पुलिस आई और उन्होंने इस ट्रैफिक को खाली कर लिया, ठीक है, ध्यान रखते, मजाक कर रहा था मैं, सीरियस नहीं होते, बुलडोजर ले आती आजकल पुलिस, ध्यान रखो। तो इन्होंने क्या किया, ट्रैफिक ने आपकी घोड़ी को रोक दिया और पुलिस ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दो, दोनों फॉर्मूलों को एनालाइज करो, आपका डीबी क्या आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थी, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सर इसमें एप्साइलन नॉट डिनोमिनेटर में आता था, इसमें म्यू नॉट न्यूमरेटर में आ रहा है, ऊपर आ रहा है। एक चीज बताओ, अगर मेरा न्यूमरेटर बढ़ा, जैसे मेरे आए हैं 30 नंबर, कितने में से 40 में से, तो मेरे मार्क्स ज्यादा हैं, या मेरे नंबर आए हैं 10, कितने में से 40 में से, कोई अंधा भी बता देगा सर 30 नंबर आए, अंधा कैसे बताएगा सर, सुन के बताएगा, 30 नंबर आए हैं 40 में से, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। अब एक बात बताओ, म्यू नॉट ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बढ़ा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये एप्साइलन नॉट डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, फोर्स को भी, है ना, पोटेंशियल को भी। अंतर बस इतना सा है कि एक चीज क्या करती है, एक चीज बढ़ा देती है, और इसमें एप्साइलन नॉट की वजह से डिक्रीमेंट होता है। और दूसरा अंतर है सर नाम का, इसे कहते हैं परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसे कहते हैं क्या, परमिटिविटी। इस चीज़ के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं ऊपर दिए दे रहा हूँ आपको आई बटन, जाइए वहाँ से देखिए, मजे करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, अगले ढंग में हम लोग देखेंगे कि एप्साइलन नॉट और म्यू नॉट के बीच में रिलेशन क्या है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो।